हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन। सब सहयोग जैसे अच्छे होंगे। सर, आज के वीडियो हम लोग दो डाउट को क्लियर करने वाले हैं जो कि आप लोग का कमेंट से मैं पिक किया हूँ, और रॉयल पास से परचेस करेंगे क्योंकि मैं रॉयल पास अभी तक परचेस नहीं किया। उसके साथ साथ कल एक इवेंट आने वाला है, उसके बारे में बात करने वाला। फटाफट से कोशिश करूंगा ये वीडियो को मैं कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, उसको क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहला जो डाउट आ रहा था आप लोग में से, वो ये है कि क्या हम लोग सीजन 18 का रॉयल पास अभी खरीदना चाहिए, कुछ दिन बाद खरीदेंगे चलेगा? तो जी हाँ, आप कुछ दिन बाद भी खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मुझे कमेंट कर रहे थे या पूछे थे, उन लोग को एक डेट पता चला, मुझे नहीं पता, उन लोग को एक डेट पता चला कि 26 को शायद से हम लोग पबजी मोबाइल इंडिया आ सकता है, या 29 को, क्योंकि होली का दिन भी आ सकता है। तो मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता, बट अगर आपको लग रहा है कि 26 को आएगा या 29 को, तो डेफिनेटली आप वेट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है 26 या 29 होने में। और आप बिना रॉयल पास खरीदे भी अपना जो लेवल है उसको अप कर सकते हैं। आपको पता है कि पबजी मोबाइल का जो आरपी क्रिएट सिस्टम है, जिसमें 200 आरपी पॉइंट मिलता था, उसको तो हटा दिया गया। अभी उसका तो टेंशन नहीं है, अभी तो सिंपली टाइम ड्यूरेशन वाला आ गया। एक वीक में आपको 550 मिनट्स खेलना है, और जैसे कि मैं आपको अगर ट्रिक का बात करूँ, तो आपको एक दिन में आपको एटलीस्ट 60 मिनट तो खेलना ही होगा, तभी जाके आप जो रैंक है उसको अप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रॉयल पास खरीदे या नहीं खरीदे, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप फ्री रॉयल पास में भी बढ़ा सकते हैं, और उसका जो आरपी पॉइंट है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ फ्री लेवल का जो मिशन है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, और जो पेड लेवल का मिशन है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट उसका आरपी पॉइंट नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ अच्छा, जैसे आप रॉयल पास परचेस करेंगे तो वो वाला आरपी पॉइंट जो होल्ड में रखा गया था पबजी की तरफ से, वो आपको मिल जाएगा, तो जिससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो रैंक है वो अप हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं। जैसे 26 का अगर आपको लग रहा है तो 26 का खरीद लीजिए, तो अगर आप 29 में लग रहा है तो 29 को भी आप खरीद सकते हैं। बट एक चीज़ कंफर्म रखिए कि आपको डेली बेसिस में गेम खेलना है, और एटलीस्ट जो पेड रॉयल पास का मिशन है उसको कंप्लीट करके रखिए, जिससे ये होगा कि जैसे आप रॉयल पास खरीदेंगे तुरंत से आपको आरपी मिल जाएगा। अब जो सेकेंड डाउट है वो मुश्किल से एक दो जन मुझे पूछे थे, जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता है, तो और मुझे भी उतना खास पता नहीं था, मैं थोड़ा बहुत रूमर्स सुना था, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। सेकेंड डाउट ये था कि क्या हम लोग सीज़न 18 का जो डेटा वो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी ये रूमर्स आ रहा है कि पबजी मोबाइल जब से बैंड हुआ इंडिया में, उसके बाद जितना भी गेम प्रोग्रेस हम लोग किए, भले वो DNS VPN से, उसका डेटा को मे भी पबजी मोबाइल ना दे। 50-50 चांस है, और ये रूमर्स मैं पहले बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, दे भी सकता नहीं भी दे सकता, उन लोगों का कहना है। तो अगर आप सोच रहे कि ये डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं भी मिलता तो सीज़न 18 का डेटा देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि सीज़न 17 का भी नहीं मिलेगा, सीज़न 16 का भी नहीं मिलेगा, एंड सीज़न 15 का भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा वेट मत कीजिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जाना रहेगा तो पूरा जितना भी चार सीज़न है, चारों सीज़न का आपको डेटा नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिलेगा तो आपको सब सीज़न का ही मिलेगा, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता दिया। और अगर ऐसा हुआ तो लिटरली बहुत लोगों का बहुत सारा डेटा जाने वाला है, और ये चीज़ मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, बस मैं आपको बता दिया। अब एक चीज़ ये है कि आप अलग से यूसी खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अलग से अभी यूसी खरीदेंगे तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी 600 यूसी है तो उसको आप कर लीजिए, क्योंकि अगर बैंड होने के बाद यूसी खरीदे हैं, अगर डेटा नहीं मिलेगा तो वो भी यूसी भी नहीं बचेगा, तो डेफिनेटली आप खरीद के इन्जॉय कर लीजिए, मिल गया तो सब अच्छा बात है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं हम लोग पबजी मोबाइल खोल लेते हैं, क्योंकि मैं तो आपको खरीद कर दिखाऊंगा, जाए नहीं जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि अगर जाएगा तो जितना भी प्रीवियस सीजन का डेटा तो वो भी जाएगा। खैर जाने दो, मैं आपको रॉयल पास पबजी मोबाइल दिखाऊंगा। इधर आप देख पा रहे हैं ये हम लोग का सीज़न 18, इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग, मैं लास्ट ग्राउंड 5 तक गया था, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और इधर आप देख पा रहे आरपी बैच, उसके साथ साथ टीम इफेक्ट एपिक मिला, और 1300 हम लोग सिल्वर मिला, नाइस। इसको हम लोग ओके कर लेते हैं, उसके साथ साथ कंटिन्यू, और हम लोग डाउनलोड होके प्लेटिनम 5 मांगे, ठीक है, नॉट बैड, कंटिन्यू करते हैं। और चेकआउट रॉयल पास, न्यू जर्नी बिगन, ठीक है, ये भी हो गया। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग गेम के अंदर एंटर कर ही चुके, तो परचेस बोनस तो हम लोग को मिल जाना चाहिए, क्योंकि परचेस बोनस तो मैं खरीद चुका था। इधर आप देख पा रहे मुझे एक प्रीमियम कूपन मिला, उसके साथ साथ ये आउटफिट भी मिला। तो चलो इसको पहनना के दिखा देता हूँ मैं, कैसा लग रहा है यार, नाइस, ठीक ठाक ही लग रहा है, और प्रीमियम कूपन हम लोग यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग रॉयल पास के अंदर चलते हैं। ये तो आपको बस ये कंप्लीट कुछ चीज़ें तो मैं कल ही दिखा चुका था आपको, ठीक है। We'll be right back.
कि आप देख पर ऑक्स का स्किन है, उसके साथ साथ कान 98 का स्किन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं और इधर आप देख पा रहे हैं बक्की का स्किन, जैसा भी बताया कि आरपी रिवॉर्ड में नहीं आने वाला, ये रिडीम शॉप में आएगा। उसके साथ साथ आपको यूसी है 600 यूसी, नहीं तो आप एडी कैंसिल ले सकते हैं। हम लोग इधर देख लेते हैं, उसके बाद आप देख पर हम लोग इसको आरपी में क्लिक करेंगे और इधर आप देख पर अपग्रेड पास हम लोग क्लिक करते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी रैंक देख ही चुके हैं, चलो इधर हम लोग 600 रुपये वाला प्लान खरीद लेते हैं। ओके करते हैं, वही चलो इसको कलेक्ट करते हैं। ओके ये लेना चाहिए, ये तो ऑब्वियस बात है, मैं ये लूँगा। ओके करते हैं, नाइस ऑक्टा स्किन। और उसके साथ साथ ये हम लोग को स्टॉम्पिंग बीट हैट भी मिल गया, स्टॉम्पिंग बीट गॉगल्स भी मिल गया। ओके नाइस, और उसके साथ साथ हम लोग का रैंक भी है तो सबको यूज़ कर लेते हैं। फिक्स हो गया, यूसी ले लेते हैं, 100 यूसी आ गया। 6 बैच, ये बैच के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आपको पता है 10 में हम लोग को ऑर्नामेंट मिलेगा और उसके साथ साथ 15 में हम लोग को ये लडांस मिलेगा फ्रेंड्स फॉर एवर, ये फ्री आरपी में मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक फ्रेम है और इवन आप देख पा रहे बैकपैक भी आपको दिखाई दे रहा है और इधर आप देख पा रहे बेली ड्रम नाम का एक इमोट आपको 25 लेवल में देखने को मिलेगा। उसके बाद एरोप्लेन है और पैरासूट। ओके इसमें से आप कौन सा लेगा आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। पिंक तो मैं एक ले लिया हूँ तो ये ग्रीन वाला लूँगा मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कान 98 का स्किन सबसे बेस्ट है यार पी में, यार लिटरली ये चाहिए मुझे। और उसका 100 लेवल का आउटफिट आपने देखा है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बग्गी का स्किन आपको इधर देखने को मिलेगा। और बट एक चीज़ अच्छा है कि बग्गी का स्किन 390 में आपको मिल जाएगा, तो पिछले बार मेरे पास 390 हो चुका था, पर भी अगर 390 हो जाता तो मुझे बग्गी का स्किन मिल सकता है। तो ज़्यादा महंगा नहीं आप इसको ले सकते, थोड़ा सा कम प्राइस रखा है मुझे जितना लग रहा है। और आई गेस आपको ये बग्गी का स्किन मिल सकता है अगर आप सही से वो वाला आरपी एडवेंचर वाला खेलेंगे तो। ठीक है, तो मिशन उशन तो आ चुका है, इसको छोड़ते हैं और इधर इसमें हम लोग क्रिएट टीम में करते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, पहले ज्वाइन करना बच्चे, तो बुला लेते सबको। और उसके बाद ये इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके गाइस हम लोग रॉयल पास तो खरीद लिए, आउटफिट पहना देता हूँ ये ला आउटफिट यार, ठीक ठाक सही है। उसके साथ साथ अगर आप सीजन में क्लिक करेंगे तो ये आरटीए रिवॉर्ड आप देख पा रहे, ये आउटफिट मिलेगा, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। खैर इसको साइड में रखते हैं। ओके गाइस कल हम लोग का दूसरा एनिवर्सरी का इवेंट आने वाला है। पहला जो इवेंट था एनिवर्सरी का उसमें हम लोग को परमानेंट प्रीटी पिंक प्रीटी सेट आपको दिखाया दिया। उसके बाद सेकेंड जो इवेंट आने वाला जो कि 18 कल स्टार्ट होने वाला और 25 को ख़त्म होने वाला, जिसमें आप देखते हैं रिव्यू योर स्टैट टू गेट, ये चीज़ आपको कम्प्लीटली कल ही पता चलेगा कि टाइटल कैसे मिलेगा। रिव्यू वाला चीज़ है तो मुझे लगता है कुछ चीज़ आपको रिव्यू करने बोलेगा, खाली देखने बोलेगा और उसी हिसाब से आपको केवल ये टाइटल मिल जाएगा। और क्योंकि ये एनिवर्सरी टाइटल है तो एक तरह का बहुत सारा पबजी वाला को गिफ्ट के तौर पर यह टाइटल देगा, इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आएगा वो है 21 को, जिस दिन एक्चुअल में एनिवर्सरी है उस दिन तो बहुत कुछ होने वाला है। उसके साथ 31 को ये इवेंट खत्म होगा, तो टाइटल वाला जो इवेंट है वो कल आएगा। डेफिनेटली आप वेट कीजिए, कल डेफिनेटली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल मैं आपको सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ कि क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ के लिए आपको वेट करना चाहिए।